मलिका किचन खास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो अभी टाइम चल रहा है ठंड का, और ठंड में हमें कुछ अच्छा अच्छा बनाकर खाने का मन करता है। तो चलिए हम बनाते हैं मेथी मलाई मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेथी मलाई मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मेथी और मटर को बॉईल करके रख लेते हैं। मटर को बॉईल करने के लिए यहाँ पर हमने पानी गर्म किया और उसमें डाला मैंने आधा चम्मच नमक, और पानी में अब मैं डाल रही हूँ एक कटोरी भर के फ्रेश मटर। मटर मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर लिए, फ्रोजन मटर नहीं है। और अब इसे हम लगभग 5 मिनट तक पानी में सॉफ्ट होने तक, जब तक कि अच्छे से नरम ना हो जाए, हम इसे बॉईल कर लेंगे। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और 5 से 7 मिनट हो गए। और अब मैं यहाँ पर मटर को चेक करके देख लेती हूँ कि मटर सॉफ्ट हुए या नहीं। और मटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो अब हम मटर के साथ ही इसमें डालेंगे कटी हुई मेथी। और मैंने यहाँ पर मेथी को अच्छे से वॉश किया है और उसे बारीक चॉप कर लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मटर के साथ ही हम मेथी को बॉईल कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर इसे मटर के साथ बॉईल करना है। इससे क्या होगा, मेथी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और उसका कड़वापन भी दूर हो जाएगा। तो हम इसे इस तरह से अच्छे से मिला देंगे और 1 मिनट के लिए कवर करके बॉईल होने देंगे। और 1 मिनट के बाद में इसे खोलकर एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए मेथी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई। तो अब हमने गैस को कर दिया है बंद और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारे मेथी और मटर हमने अच्छे से बॉईल किया, उसे अब हम छान ले रहे हैं। और छान में इसलिए रही हूँ कि मेथी का जो पानी होता है वो कड़वा होता है, उसमें मेथी की कड़वाहट आ जाती है, तो उसे मैं सब्ज़ी में यूज़ नहीं करूँगी। आप चाहो तो उसे भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर उसे छान कर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर हमने मेथी और मटर को रेडी कर लिया है बॉईल करके। अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। पर हमने कर लिया है पैन को गरम और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच से ऑयल यानी कि तेल। तेल को थोड़ा हम गरम होने देंगे, फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और चुटकी भर हींग। और अब मैंने लिया यहाँ पर लहसुन, 6-7 लहसुन लिए, उसके टुकड़े करके हमने डाले। और अब मैं डाल रही हूँ अदरक का टुकड़े, अदरक के टुकड़े किए हुए, उसे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 हरी मिर्च, उसे भी मैंने टुकड़े करके इसमें डाल दिए। और अब इसे हमें चला लेना है। गैस को हमें अभी लो फ्लेम पर कर देना है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। और अब इन सभी को मिक्स कर देंगे। गैस यदि हम मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं तो हमें कंटिन्यू इसे चलाना है, क्योंकि हमने तेल बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए हम प्याज और हरी मिर्च लहसुन अदरक जल सकते हैं, इसलिए हमें इसे जलने नहीं देना है और इसे ब्राउन होने तक हमने पकने देना है। देखिए प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो गए। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टमाटर, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। हमें बड़े बड़े टुकड़े ही रखना है, क्योंकि अभी हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 6 से 7 मखाने और 10 से 15 मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, और उन्हें भी मैं इसके साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, यानी कि 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, जिससे कि ये प्याज टमाटर इसमें जल्दी से गल जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी। पानी डाल के इनको सभी को अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसे लगभग 5 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से पकने देंगे। इसे हमें, जब तक ये पूरी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, हमें इसे पकने देना है, क्योंकि प्याज टमाटर का कच्चापन तभी जाएगा जब ये अच्छे से पकेंगे। तो हमें इसे 5 मिनट लगभग पका लिया है।
ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए। और अब हमें कर देना है गैस को बंद। और अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ और निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल दिया और अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो अब ये प्याज टमाटर हमारे ठंडे हो गए। अब हमने लिया है मिक्सर का जार और अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और फिर उसके बाद हम इसका मिक्सर में बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमने प्याज टमाटर को इस तरह से पेस्ट बना लिया है ये देखिए। और अब हम चलेंगे सब्जी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें लिया है तेल यानी कि ऑयल। और अब मैं उसमें डाल रही हूँ बटर। आप चाहें तो बटर को हटा भी सकते हैं, सिर्फ तेल में भी सब्जी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर डाल रही हूँ। बटर के साथ तेल इसलिए मिक्स किया जिससे बटर जलेगा नहीं और बटर के साथ सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये गर्म होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 3 से 4 लौंग। तो अब मैं इसमें डाल रही जो हमने प्यूरी तैयार की थी टमाटर और प्याज और काजू की, तो अब हम उसे इसमें डाल देंगे। और अब जार में थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से इसमें थोड़ा पानी डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे और इसी में मिक्स कर देंगे। और गैस को हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ही रखा है। तेज़ गैस हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मसाले हमारे जल जाएंगे, इसलिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। और अब इसे मैं कवर करके 1 मिनट तक कवर करके इसे पकने दूंगी। तो यहाँ पर हमने टमाटर प्याज की जो प्यूरी थी उसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए प्यूरी हमारी अच्छे से भून गई और पक भी गई है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं मसाले। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक। नमक हमने पहले भी प्यूरी बनाते समय यूज़ किया था, इसलिए नमक थोड़ा सा कम यूज़ करेंगे। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैंने लिया यहाँ पर धनिया पाउडर। ये सारे मसाले हम छोटे चम्मच से ही लेंगे। और 1/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है इसलिए थोड़ा ही डालेंगे, लेकिन इससे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो आप सभी को अच्छे से भून लें, सभी को अच्छे से मसाले प्यूरी के साथ मिक्स कर लें, मिला लें। और मेथी मलाई मटर की सब्जी हल्की सी मिठास ली होती, तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच शक्कर। आप चाहें तो शक्कर को स्किप कर सकते हैं यानी कि हटा सकते हैं। मुझे थोड़ी सी हल्की सी मीठी सब्जी पसंद है इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। और अब कम गैस पर 1 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर हम मसालों को अच्छे से पकने देंगे। कवर करने से मसाले बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले हमारे अच्छे से भून गए। मसालों को यदि जल्दी पकाना है तो उन्हें 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दें, इससे वो जल्दी पक जाते हैं। और यहाँ पर मसाले में से तेल भी बाहर आ गया, इसका मतलब हमारे प्याज टमाटर बहुत अच्छे से भून गए और मसाले भी अच्छे से पक गए। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं जो हमने बॉईल करके मटर और मेथी को रखा है, तो उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। मेथी और मटर हमारे पहले से ही बॉयल है इसलिए इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसे अच्छे से मिला लें मसालों के साथ। और गैस को आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है।
यहाँ पर हमने मेथी और मटर को 1 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से पकने दिया है, जिससे मेथी और मटर मसालों के साथ अच्छे से भिन जाए। तो यहाँ पर हमने लिया 1 कटोरी मलाई। हम मेथी मलाई मटर बना रहे इसलिए हम इसमें मलाई डालेंगे, तो हमने 1 कटोरी मलाई लिया है और उसे अच्छे से चम्मच से मिला लिया। अब उसे भी इसमें मिक्स कर देना है। आप चाहे तो क्रीम भी ले सकते हैं, अमूल फ्रेश क्रीम, उसे आप इसमें आधी कटोरी डाल दें। मैं यहाँ पर मलाई ले रही हूँ, घर की बनी हुई फ्रेश मलाई लें, बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं लें। और कटोरी में जो मलाई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब सभी को अच्छे से मिला लें। मलाई डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करके हम सब्जी को मीडियम गैस पर पकने देंगे, जिससे मलाई मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद हमारी सब्जी रेडी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी क्रीमी क्रीमी मेथी मलाई मटर की सब्जी बनकर तैयार है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो गैस को हमने कर दिया है बंद और सब्जी की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। मेथी मलाई मटर की सब्जी थोड़ी सी स्पाइसी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ठंड में इस तरह की सब्जियों को खाने में अच्छा लगता है। तो ये लीजिए हमारी मेथी मलाई मटर की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।